और अगली बड़ी खबर बालाघाट से है। सहायक इंजीनियर पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई देखने को मिल रही है। एमपी ईबी के असिस्टेंट इंजीनियर दयाशंकर प्रजापति के घर छापा मारा गया है। आय से 280% ज्यादा संपत्ति मिली है। ईओडब्ल्यू जबलपुर ने सुबह 6:30 बजे छापा मारा। मौके पर दस्तावेज कंगाले जा रहे हैं। टीम की तरफ से टीम दयाशंकर प्रजापति के घर पर ही फिलहाल मौजूद है। आय से 280% ज्यादा संपत्ति मिली है। सहायक इंजीनियर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई सहायक इंजीनियर पर। एमपीईबी के असिस्टेंट इंजीनियर दयाशंकर प्रजापति के घर छापा मारा गया है। ईओडब्ल्यू जबलपुर ने सुबह 6:30 बजे छापा मारा। कई बड़े खुलासों की उम्मीद। धीरे धीरे जानकारी सामने आएगी। एमपीईबी का असिस्टेंट इंजीनियर दयाशंकर प्रजापति, उसके घर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई है। आय से 280% ज्यादा संपत्ति पाई गई है। कार्रवाई लगातार जारी है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। धीरे धीरे खुलासे होंगे। ईओडब्ल्यू जबलपुर ने सुबह 6:30 बजे छापा मारा है। दयाशंकर प्रजापति के घर कार्रवाई लगातार जारी है। शुरुआती जांच में दयाशंकर की आय से 280% तक अधिक संपत्ति पाई गई है। ईओडब्ल्यू की टीम लगातार घर पर डटी हुई है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तमाम जो बेनामी संपत्ति है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश ईओडब्ल्यू की टीम की तरफ से। आय से 280% ज्यादा संपत्ति पाई गई है। एमपीईबी का असिस्टेंट इंजीनियर दयाशंकर प्रजापति, उसके घर पर टीम अभी भी मौजूद है। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई यहां पर लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी निशांत बिसेन जी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निशांत जी, एमपीईबी का असिस्टेंट इंजीनियर है और आय से 280% ज्यादा संपत्ति, छोटा मोटा मामला नहीं है फिर ये? जी बिल्कुल, एक रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर है, उनके घर पर आज ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। जो कि शिकायतें रही होंगी और बहुत इनिशियल लेवल पर अभी जांच चल रही है, एक तरीके से कहें कि अभी शुरू ही हुई है और दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है, संपत्ति की पड़ताल की जा रही है। तो अभी शुरुआती बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो पता चला है उसके मुताबिक 12 प्लॉट उनके पास पाए गए हैं उनके पत्नी के नाम पर। उनके पास 6 आलीशान मकान है, कार है, मोटरसाइकिल है, ये सारी चीजें मिली हैं। तो किस तरीके से उन्होंने ये संपत्ति अर्जित की इसकी पड़ताल की जा रही है। सबसे खास बात है कि वो इस वक्त सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिस तरीके से ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है, तो थोड़े अगर कुछ आधिकारिक बयान आ जाता है और डिटेलिंग और क्लियरली सामने आ जाती है तो ज्यादा पता चल पाएगा। लेकिन ये तय है कि एक बड़ी संपत्ति उन्होंने अपने सेवा काल के दौरान कमाई, किन तरीकों से कमाई, इस पर पड़ताल फिलहाल जारी है। ठीक है, शुक्रिया आपका निशान जी, लगातार अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। रिटायर्ड सहायक इंजीनियर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई, जिसके घर पर आय से 280% ज्यादा संपत्ति मिली है। खुलासे लगातार हो रहे हैं। धीरे धीरे पूरी संपत्ति जिसका ब्यौरा ईओडब्ल्यू की टीम के पास होगा, उसके बाद बंसल न्यूज भी आप तक इस पर अपडेट पहुंचाएगा।